तो फिर आप उनको बुलाइए ना सर, आपको अगर लग रहा है सर कि मैं गलत हूँ, आप उनको बुलाइए, आप उनको बुलाइए सर, आप बात करिए ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उनको बुलाइए सर, दो मिनट तो गाइस मैंने उनको ये पूछा था, आप ये पहले देख लो, ये पिज्जा मेनिया है, तो मैंने उनको पूछा था कि पिज्जा में क्या डिफरेंस है और पिज्जा मिल में क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि अगर आप चिकन सॉसेज लेते हो सिंगल एक पीस तो आपको 95 रुपीज पड़ेगा प्लस GST, और अगर आप दो लेते हो मतलब दो पिज्जा अगर आप ये लेते हो तो आपको पड़ेगा 135 रुपीज। तो बस मैंने 135 रुपीज के दो पिज्जा ऑर्डर किए और उन्होंने मुझे बिल बनाया 158 रुपीज का, ये यहाँ पे बिल रखा है 158 प्लस GST 4+4 रुपीज। तो सर आपने जो बताया वही किया था मैंने, आप अभी बोल रहे हो कि वो अवेलेबल है नहीं, कौन बोला अवेलेबल है, एक वेज और एक नॉन वेज नहीं है, आपने 158 रुपीज का क्यों लगाया बिल, ये आप मुझे बताइए, क्या बोल रहा हूँ सर, जो पिज्जा में नहीं है एक वेज और एक नॉन वेज नहीं आता है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ये नहीं बोला मैंने आपको 135 रुपीज ये पॉइंट करके दिखाया था कि 135 में क्या मिलता है, तो आपने मुझे बताया कि दो पिज्जा आपको मिलेंगे, मांगा था मुझसे और मैंने आपको वही दे दिया, मैंने सिर्फ ये बताया कि पिज्जा मेनिया में एक वेज और एक नॉन वेज नहीं आता है, बस ठीक है, एक्सप्लेन वो मैं समझ गया। ऑलराइट गाइस, तो मैंने उनको ये भी पूछा था कि अगर इसमें हमें दो नॉन वेज पिज्जा मिलते इसकी प्राइस 135 रुपीज है और इसकी भी प्राइस 135 रुपीज है, तो मैंने उनको पूछा कि एक ये पीस चाहिए और एक ये पीस चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि अलाउड नहीं है, तो मैं मान गया उनकी बात, मैंने कहा कि दोनों चिकन सॉसेज के पिज्जा दे दो, तो उन्होंने मुझे बिल बनाया है 158 रुपीज का प्लस GST, तो अभी मैं उनको पूछ रहा हूँ कि 158 रुपीज आपने प्राइस कैसे लगाई है, तो वो बोल रहे कि आपने जो ऑफर लिया है मतलब दो पिज्जा वो ये नहीं है, वो कुछ और है और इसमें आपको कुछ कोक एंड ऑल मिलता है, तो मैंने उनको बोला कि आपने ये पहले ही बताना चाहिए था, तो बोल रहे कि आपने ये पूछा ही नहीं, वही बताइए सर कि आपने ऐसे क्यों किया, एक्सप्लेन किया सर, आपने दो पिज्जा का ऑफर मांगा था पेप्सी प्लस अपने पिज्जा नहीं, मैंने सर पेप्सी बोला ही नहीं, हाँ तो वही, और जो दो पिज्जा जो बोल मिल है ना सर, मैं आपको समझाता हूँ, ये जो मिल है ना वो पेप्सी के साथ है आपके लिए, बता तो आपने ऐसा बताया क्यों नहीं, आपने क्या बोला कि इसमें दो पिज्जा मिलेंगे, आपने दो पिज्जा का डिमांड किया था, पेप्सी आपने बोला ही नहीं, आपका नाम बताइए, मेरा नाम हीरा लाल है सर, तो इनका नाम हीरा लाल है जिन्होंने हमारी ऑर्डर ली थी और ये डोमिनोज जो है कासरवाड़ी में है, तो कुछ ऐसा होता है गाइस डोमिनोज पिज्जा में, आई डोंट नो अबाउट अदर ब्रांचेस लेकिन इस वाले ब्रांच में तो ऐसे होता है, और स्पेशली हम लोग ये खाने के लिए आए थे चिकन रोस्टेड विंग्स 119 रुपीज़ का, जो इनके पास सेकेंड टाइम नहीं था, इसके पहले भी मैं आया था तो ये भी तब भी नहीं था और अभी भी नहीं है, और जब मैं उनको बोला कि 135 रुपीज़ में क्या मिलेगा तब उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी थी एंड अभी वो कुछ और ही बोल रहे हैं। सर ऑर्डर देताना नीट त्यांना विचारून घ्या की काय काय भेटतं काय, कारण की जेव्हा ते बिल बनवताना तेव्हा ते एक्स्ट्रा प्राइस लावणार म्हणणार की आम्ही तुम्हाला असं सांगितलंच नाही, जी ऑफर केली ना तुम्ही जी ऑर्डर कराय सांगितलं ते तुम्ही जाऊन द्या, ते तुम्ही तुम्ही खोटं बोलताय सर, तुम्ही स्माइल नका करू, मला राग आलाय, तुम्ही खोटं बोलताय, आता तुम्ही अमाऊंट तर डिस्बर्स करणार नाहीये, दोन पिझ्झा आणि ही जी ऑफर आहे ना 135 मला सर 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 मी तुम्हाला सांगतो, एक मिनिट मी काय सांगतो ते एक्सप्लेन करतो, ठीक आहे सांगा, 135 मध्ये एक पेप्सी आणि एक पिझ्झा आहे, ये बोल रहे 135 रुपीज में एक पेप्सी और एक पिझ्झा मिळता है, आप हिंदी में बताइए, मैं वही बोल रहा हूं ना, एक पिझ्झा और एक पेप्सी मिलता है 135 रुपीज में, बस तो पिझ्झा का डिमांड किया था, आपने पेप्सी डिमांड ही नहीं किया सर, हां ठीक है, और अभी उनको आप बुलाइए, उनको बुलाइए एक मिनट, उनको क्या बुलाऊं मैं, उनको बुलाइए एक मिनट, आप उनको बुलाइए ना, उन्होंने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी सर वो मैंने आपके साथ शेयर करी, आप उनको बुलाइए, आप उनको बुलाइए सर, आपको बता दिया बस सर, आप उनको बुलाइए प्लीज, सर आप उनको बुलाइए, तो सर मैंने बता दिया जो भी डिफरेंस आप देखिए सर, मैं ये वीडियो अगर अपलोड, आप सोच रहे हो कि अगर मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूं तो आप अग्री करिए कि मेरे से गलती हुई है, गलती हुई नहीं, तो फिर आप उनको बुलाइए ना सर, मैंने आपको बताया, आपको अगर लग रहा है सर कि मैं गलत हूँ, आप उनको बुलाइए, आप उनको बुलाइए सर, आप बात करिए ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उनको बुलाइए सर, दो मिनट सर, देखिए मिस्टेक जो है हर एक से होती है, आप अग्री कीजिए कि आपसे मिस्टेक हुई है, मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, आप उनको बुलाइए ना सर, आपको प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया ना सर आपको, अरे आप उनको बुलाइए ना, आप मुझे डिफरेंस अमाउंट दो, डिफरेंस कौन सा 165 माइनस 1 जाएगा, आप बताइए,
कैसे? वो मुझे नहीं पता सर, आपने गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी आप मुझे बताइए। वो जो पिज्जा है पेप्सी के साथ आता है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने क्यों नहीं बताया सर? आपने पेप्सी मांगा ही नहीं उससे। उन्होंने जो मुझे बताया वो मैंने आपको बताया सर, आप उनको बुलाइए ना। मैंने आपको रिपीट भी किया था ऑर्डर, याद है आपको? रिपीट भी किया था मैंने आपको। आप उनको बुलाइए प्लीज सर, आप बुलाइए ना उनको। सर मैंने बताया ना आपको, प्रॉब्लम क्या है उनको बुलाने में? प्रॉब्लम क्या आपको? सर मैंने बताया आपको। क्या बताया आपने, बताइए? जो भी डिफरेंस है ना, 130 का पिज्जा। तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? सर ऑर्डर लिया था मैंने आपको दो बार। तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? सर मैंने आपको ऑर्डर लिया। सर मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो एम्प्लॉय है उनका नाम तो मुझे पता नहीं है, राम है आई गेस उनका नाम। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप पिज्जा मिल लेते कि अगर आप पिज्जा मिल लेते हो चिकन सॉसेज में तो आपको दो पिज्जा मिलते हैं। तो फिर मैंने उस हिसाब से आपसे ऑर्डर ली और आपने भी यही बताया कि आपको दो पिज्जा मिलेंगे। और जब मुझे दो पिज्जा दिए गए हैं तो आपने प्राइस लगाई है 158 रुपीज। और जब मैं आपको इस बारे में बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ, आपने बताया कि ये पिज्जा मिल कुछ और ही होता है। तो आपके एम्प्लॉय ने ऐसे क्यों बताया मुझे? आपके एम्प्लॉय ने ऐसे क्यों बताया मुझे, ये आप बताइए सर। आपके एम्प्लॉय ने ऐसे क्यों बताया ये बताइए आप मुझे। मेरे को गुस्सा मत दिलाइए प्लीज। गुस्सा नहीं दे रहा हूँ सर, तो आपसे बात कर रहा हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? आप ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, आपकी पोस्ट क्या है यहाँ पे? स्टोर मैनेजर सर, मैंने आपको दो बार रिपीट भी किया था ऑर्डर, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं किया। और डिफरेंस भी कितना आप कितना झूठ बोलते हो स्टोर मैनेजर होके। वेज नॉन वेज का आपको एक्सप्लेन भी किया था मैंने। तो गाइस यही वो पिज्जा शॉप है कासरवाड़ी में जहाँ पे मैं आया था लेने के लिए। और यहाँ पे मैंने लिया था चिकन सॉसेज जो मुझे चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, दो बार ये अवेलेबल नहीं था। और जब मैंने कुछ और लिया तब ये सर जो है यहाँ पे स्टोर मैनेजर है वो मुझे उनके एम्प्लॉयज बुलाने में लाइक मना कर रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी। तो सर आप मना क्यों करेंगे आप मुझे बताइए, आपके एम्प्लॉय को बताइए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। आप बुलाइए ना फिर उन्हें, आप बुलाइए उन्हें। चिकन सॉसेज मध्ये सर तुम्ही मला काय सांगितलं पिझ्झा मेल मध्ये काय भेटतं? सर पिझ्झा मेलचं मी तुम्ही पहिलं स्पष्ट बोललो होतं ना, पनीरचं बोललो होतं, त्यानंतर पनीरच्या नंतर ना याचा मी ऑफर नाही सांगितलं तुम्हाला। ठीक आहे तुम्ही मला ऑफरचं नाही का तुम्हाला बोललं सर, आले सरांनी मी ऑर्डर घेतो दुसरं ऑर्डर ते दुसरं ऑर्डर घेतो मी मेकलांना गेलो तिकडं पिझ्झा बनवण्यासाठी। चिकनचं मी तुम्हाला ऑर्डर सांगितलेलं नाही आहे। ये जो सर है यहाँ पे वो हमसे लाइक सच्ची सच सच बात कर रहे हैं और मैं यहाँ पे झूठ हूँ। तो इन्होंने बताया था कि आप अगर दो पिज्जा लेते हो आपको 165 रुपीज में मिलेगा, ये GST की प्राइस है। और 135 रुपीज वो विदाउट GST है। तो जब मैंने उसका GST प्राइस निकाला तब वो 141 रुपीज निकला था।